नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राजस्थान में अब अगले 6 महीने तक डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस कर्मी सहित मेडिकल सेवाओं से जुड़े कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। मेडिकल सेवाओं में राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी कि रेस्मा की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। पहले 14 मार्च तक रेस्मा लगा हुआ था, अब इसे 14 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग ने रेस्मा अवधि बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। चिकित्सा विभाग ने ही पिछले दिनों यह प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था। रेस्मा लागू होने के बाद अब मेडिकल से जुड़ी सभी सेवाओं में हड़ताल या कार्य बहिष्कार गैर कानूनी हो गया है। हड़ताल करने वालों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। सरकार ने इससे पहले पिछले साल कोरोना को देखते हुए 14 मार्च 2020 को मेडिकल सेवाओं पर रेस्मा लगाया था। रेस्मा के दायरे में डॉक्टर, नर्स के साथ सभी पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी और अस्पतालों से जुड़ी सभी सहायक सेवाओं के कर्मचारी आएंगे। रेस्मा लगने के बाद कोई भी कर्मचारी कार्य बहिष्कार या पेन डाउन हड़ताल नहीं कर सकता। सरकार इससे पहले भी कई बार रेस्मा लगाती रही है। मेडिकल सेवाओं से जुड़े कई कर्मचारी संगठन पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार की तैयारी कर रहे थे। अब रेस्मा की अवधि बढ़ने से वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। बताया जाता है कि कोरोना वैक्सीनेशन का काम चलने और कई जिलों में कोरोना केसेस बढ़ने की आशंका को देखते हुए सरकार अभी मेडिकल सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार या हड़ताल को रोकना चाहती है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।